हेलो गाइस, आपका यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज चलिए मैं आपको दिखाऊंगा एक सेलिंग मशीन जो कि आपको कोई भी पैकेजिंग वगैरह सेल करने के लिए काम आता है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया हूँ, परचेज़ किया हूँ और ये डिलीवर आ चुका है मेरे घर पे। तो मैं इसे करूँगा अनबॉक्सिंग और मैं देखूंगा इसकी फैसिलिटीज वगैरह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, साइज कर, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं इसे एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं इसे कर लेता हूं जल्दी से अनबॉक्स और देखते हैं इसमें कैसा, किस टाइप का मशीन आया है और किस कलर का मशीन है और इसका काम क्या है। तो ये परचेज थी, जो आपका ऑर्डर था वो काफ़ी जल्द आ गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका जो प्राइस पड़ा है काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टली है, बट पता नहीं मशीन कैसा है, किस टाइप का है, हमें भी नहीं पता, बट देखते हैं इसे ओपन करके। और इसका मशीन का प्राइस लगभग 2600 रुपया पड़ चुका है, 2595 रुपया पड़ा है, मतलब 2600 रुपया पड़ गया डिलीवर वगैरह ले करके। फ्री डिलीवर था इसका। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मशीन है काफ़ी PFS 300, तो ये सेलिंग मशीन है, जैसा कि आपको भी मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। मैंने भी इसे परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो ये का पैकेजिंग का भी अच्छा है, बट अब देखते हैं अंदर का पैकेजिंग किस टाइप का है, तो आपको पता ही लग ही जाएगा कि ये पैकेजिंग किस टाइप का है। तो देखते हैं, ये सेलिंग मशीन का डब्बा है और ये काफ़ी सही है पैकेजिंग, बट अंदर में इसे देखते हैं कुछ किस टाइप का ये मशीन आएगा और कैसा है, और भी देखते हैं इसके अंदर का जो मशीन का पार्ट्स है वो किस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पैकेजिंग करीब ठीक ही ठाक है और इसे मैं करूँगा ओपन और एक एक पहले को निकालता हूँ और मैं देखता हूँ इसे ओपन करके इसमें क्या फैसिलिटीज़ है। काफ़ी पैकेजिंग अच्छा किया गया है। जो चलिए मैं इसे अब देखूँगा कि ये किस टाइप का मशीन है। तो ये कलर, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। एक्वा कलर है और देख, ये आपका फ्री दिया है। ये एक पत्ती है, ब्लेड है, जिसके मशीन के अंदर रहता है जो हीट होता है। और मैं इसे देखूंगा, ये काफ़ी चमक रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो मशीन काफ़ी अच्छा है, ये वोल्टेज का है जिससे आप हीट कर सकते हो जितना आपको हीट करना है। और एक्चुअली मैं इसे पेप्सी पैकेज करने के लिए मंगाया था, जीगल का है, जीगल का। और जैसा कि प्लग देख सकते हैं काफ़ी ठीक ही है, बेटर नहीं बोल सकते बट ठीक है। और इसकी जो फोल्डिंग किया गया है काफ़ी अच्छा है और मशीन का क्वालिटी तो ठीक ही लग रहा है, बट इसे यूज़ करने के बाद इसे पता चलेगा कि ये मशीन किस टाइप का है। तो मशीन काफ़ी अच्छा ही है और मैंने इसे यूज़ करके भी देखूंगा। तो आपको मैं बता दूं इस मशीन का फैसिलिटीज़ क्या क्या है। आप इस मशीन के थ्रू किसी भी पैकेजिंग, प्लास्टिक की जितनी भी पैकेजिंग आती है, चाहे कुरकुरे हो, मतलब नमकीन वगैरह हो, हल्दी पैकेट हो, मतलब किसी भी टाइप की पैकेजिंग हो सके तो कर सकते हो। बट मैंने इसे स्पेशली मैंने इसे पेप्सी पैकिंग के लिए मंगाया था। तो देखता हूँ इसे पेप्सी पैकिंग किस टाइप से होता है। मैंने इसे पहले चेक इन कर लिया हूँ, वीडियो को बनाने के बाद मैंने पहले चेक इन कर लिया हूँ मशीन को किस टाइप से बनता है। बट ये मशीन काफ़ी सही है, लेकिन आप इसमें पानी अंदर ना जाने दीजिएगा, तब ये आपको काफ़ी दिन तक चलेगा। मशीन काफ़ी अच्छा है बट पानी जाते ही ये मशीन टिकेगा नहीं, क्योंकि अगर पेप्सी सेलिंग के लिए ले रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, पानी से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मशीन काफ़ी अच्छा है बट मेरे लिए मतलब वर्किंग नहीं कर पाया अच्छा से, तो आप इसे ना ले अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।